अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 30.3, जिसमें टॉपिक का नाम है को टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल, जिसकी डेफिनेशन है एंगल्स हैविंग द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स एंड दे डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2π रेडियंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जर्नल एंगल्स। एक्सरसाइज 3.3, जिसका पहला पार्ट है फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। को टर्मिनल एंगल किस तरह फाइंड करते हैं, जो भी एंगल गिवन होगा डिग्री में या रेडियन में, जब डिग्री में एंगल गिवन होगा तो उस डिग्री के साथ हम 360 एक बार ऐड भी करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट भी करेंगे। दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। और इसी तरह अगर रेडियन में वैल्यू गिवन है तो रेडियन का को टर्मिनल फाइंड करने का तरीका है कि उस वैल्यू के साथ 2π प्लस भी करेंगे और उस वैल्यू के साथ वैल्यू में से 2π माइनस करेंगे और जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 55 डिग्री। अब 55 डिग्री है, इसका को टर्मिनल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 360 इसमें ऐड करेंगे और 360 इसमें से माइनस भी करेंगे। 55 प्लस 360 0 प्लस 5 5 होंगे और 6 प्लस 5 11 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 3 4, ये है इसका को टर्मिनल एंगल। इसी तरह 360 में 55 डिग्री में से 360 माइनस करें, 360 माइनस 55, 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, यहाँ पर 5 में से 5 माइनस करें 0 और 3 रहेगा, माइनस 305 डिग्री। तो लिखेंगे इसके को टर्मिनल एंगल कौन से हैं, एक है 415 एंड दूसरा है माइनस 350। इसी पार्ट का दूसरा सवाल है पाई बाय 6। अब पाई का मतलब है रेडियन, जब रेडियन में वैल्यू हो उसका को टर्मिनल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके साथ उस वैल्यू के साथ उस रेडियन के साथ 2π एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 प्लस माइनस में हमेशा नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, उसके बाद ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, पाई वन द पाई होगा और 2π को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12π होंगे, 12π प्लस पाई तो 13π होंगे अपान में 6। इसी तरह इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 प्लस माइनस में नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 मिलेगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें पाई होगा माइनस 6 टू द 12π होंगे, पाई में से 12π माइनस करें तो माइनस इसके 11π बचेंगे अपॉन में 6। तो इसके को टर्मिनल एंगल कौन से होंगे, माइनस 11π अपॉन में 6 एंड 13π अपॉन में 6, ये है इसका आंसर। इसी पार्ट का तीसरा सवाल भी लिखा हुआ है आपके सामने नजर आ रहा होगा, माइनस 45 डिग्री। डिग्री में है तो इसका को टर्मिनल कैसे मालूम करेंगे, इस वैल्यू के साथ 360 डिग्री ऐड करेंगे और इसी वैल्यू में से 360 डिग्री माइनस भी करेंगे, 360 में से 45 माइनस करें बाकी 315 डिग्री बचेंगे और माइनस के 45 डिग्री माइनस के 360 डिग्री तो माइनस के 405 डिग्री होंगे, ये है इनके को टर्मिनल एंगल्स। इसी पार्ट का पांचवा सवाल, चौथा सवाल है माइनस 3π/4। पाई का मतलब है रेडियन, रेडियन का को टर्मिनल मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ 2π ऐड करेंगे और इसी वैल्यू में से 2π रेडियन माइनस भी करेंगे। इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 प्लस माइनस में हमेशा नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 मिलेगा और ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 3π को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 3π होंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8π होंगे, 8π में से 3π माइनस करें बाकी 5π बचेंगे अपान में 4। अब इसकी बारी, अपान में कुछ नहीं है तो 1 प्लस माइनस में नीचे वालों का एलसीएम 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा,
ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 3 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई, माइनस 2 पाई को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 8 पाई होंगे, माइनस के 8 पाई माइनस के 3 पाई तो माइनस के कितने पाई होंगे, 11 पाई होंगे। तो हम लिखेंगे माइनस 11 पाई अपॉन 4 एंड 5 पाई अपॉन में 4। ये है इस सवाल के को टर्मिनल एंगल्स। एक्सरसाइज 30.3 का दूसरा पार्ट है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस क्वाड्रेंट में कितनी डिग्री होती है, कितना एंगल होता है, उसके बाद मैं आपको ये पार्ट समझा देता हूं। तो इसके लिए ये पार्ट समझने से पहले आपको मैं ये समझाता चलूं कि ये है कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। रिमेंबर दैट यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर घूम फिर कराएंगे तो 360। इस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो दरमियान जो एक हिस्सा है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से लेकर 180 तक का जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से लेकर 270 तक जो एरिया है बीच में जो पार्ट है, हिस्सा है, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरह 270 से लेकर 360 के दरमियान जो एरिया है दैट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एंगल जब 90 और 0 के दरमियान होगा तो हम क्या कहेंगे, वो किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एंगल 90 और 180 के दरमियान में है तो हम क्या कहेंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह अगर कोई एंगल 180 और 270 के दरमियान में होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और कोई एंगल 270 और 360 के दरमियान है तो हम क्या कहेंगे कि दैट एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास जो सवाल है उसमें यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला सवाल है 6/8 पाई अपॉन में 5। सबसे पहला काम कि हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, यानी जहां पाई होगा उस पाई की जगह पर हम उसकी डिग्री रखेंगे। रिमेंबर दैट पाई की डिग्री 180 है, तो 8 सेम रहेगा, पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 180 डिग्री अपॉन में 5। 5 के डबल में 180 आता है 36 टाइम, और 36 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 8, 86 से 48 होंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे, और 38 से 24, 24 में 4 प्लस करें 28 होंगे, यानी 8 पाई अपन 5 का मतलब क्या है, 288 डिग्री। अब 288 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 288 डिग्री आप देखेंगे कि 270 और 360 के दरमियान होगा। 270 और 360 के दरमियान वाले एरिया को क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हम कहेंगे 288 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है इसका आंसर। इसी पार्ट का दूसरा सवाल है 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कहाँ पर होगा, आपको बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 90 के दरमियान जो भी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से लेकर 90 तक के दरमियान, 75 तो 0 90 के दरमियान ही आता है, तो इनके दरमियान जो भी एंगल आएगा उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हम कहेंगे 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरह इसी पार्ट का तीसरा सवाल है -818 डिग्री। अब हमने पढ़ा है कि 0 से लेकर 90 से 180 से 270 से 360, ये तो 818 है। तो अब क्या करेंगे, सर्किल में जब एक चक्कर लगेगा तो 360 बनेंगे, जब दूसरा चक्कर लगेगा 360 फिर बनेंगे, इनको ऐड करें तो 720 होंगे। अब सबसे पहले चक्कर पूरा होने के बाद तो हम नहीं कहेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर जो 818 डिग्री है इसमें से हम 720 निकालेंगे क्योंकि दो चक्कर तो पूरे पूरे लग गए, तो 818 में से 720 हम माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे 8 और
यहाँ पर यानी कि माइनस की वैल्यू है तो हम इसके साथ ऐड करेंगे, बल्कि ये माइनस है तो इसे ऐड करें, और या तो आप ऐसे कह सकते हैं माइनस को फिलहाल आप इग्नोर करें, माइनस की साइन को साइड पे कर दें। तो बाकी बचेंगे यहाँ पर 11 में से 2 गए 9, यानी कितने डिग्री बचेंगे, 98 डिग्री। अब आपको बता चुका हूँ कि 90 से 180 के दरमियान जो भी आएगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम कहेंगे 818 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक बार फिर से बता दूं आपको कि 360 से अगर ज़्यादा हो तो 360 उसमें से जितनी बार बनेगा वो उसमें से माइनस करेंगे। एक बार 360 इसमें से निकाल दें फिर भी 360 से वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरी बार 360 इसमें से निकाल दें, यानी दो बार 360 यानी कि 720 इसमें से निकाल देंगे, फिर जो बचेगा उसको हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह चौथा सवाल है 1090। अब 1090 जो है 360 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 360 माइनस कर दें। 360 का एक चक्कर लगेगा, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, ऐसे चक्कर्स लगते रहेंगे। तो हम 360 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, हो सकता है इसमें से 3 चक्कर बन जाए। 300 और 6 3 18 1 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 9 में 1 प्लस करें 10, यानी सर्किल के जब हम 3 चक्कर लगाएंगे, राउंड लगाएंगे तो उसके 1080 डिग्री होंगे। अब यहाँ पर 1090 डिग्री है, 1090 में से 1080 माइनस करें, बाकी बचेंगे 10 डिग्री। और ये 10 डिग्री कहाँ पर होगा, 10 डिग्री 0 और 90 के दरमियान में होगा। 0 और 90 के दरमियान वाले एंगल को क्या करते हैं, कहते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे 1090 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है इसका आंसर। इसी पार्ट का पांचवा सवाल है 7π/6। मालूम करना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहला काम, हम पाए की जगह पर पाए की डिग्री रखेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 6 की टेबल में 180 आता है 30 टाइम, 7 मल्टीप्लाई 30, 7 0 इज़ द 0 होगा, 7 3 इज़ द 21 होंगे। 201 ये किस एंगल में होगा, 180 से लेकर 270 के दरमियान वाले एंगल में होगा। 180 और 270 के दरमियान वाले एंगल को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे 210 या बोलें 7π/6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये है इसका आंसर। और इसी का छठा सवाल है -5π/4। -5 अपनी जगह पर सेम, पाई की जगह पर 180 डिग्री रखेंगे और अपॉन में 4, 4 की टेबल में 180 आता है 45 टाइम, 5 से 45 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 ऊपर चले जाएंगे, 5 4 20 20 में 2 प्लस करें 22 माइनस। माइनस की साइन को देखना नहीं है, हमें देखना है कि ये डिग्री जो है कितनी है। ये डिग्री है 225 कहाँ पर होगा, 180 से लेकर 270 के दरमियान होगा। 180 से लेकर 270 के दरमियान वाले क्वाड्रेंट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर कहेंगे -5π/4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। शॉर्ट फॉर्म में से Q3 भी कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये है इसका आंसर।